कि अब मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब पिछले लंबे समय की बात की जाए तो 7 मामले ऐसे थे जो यहां पर जो है मौत हुई थी जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। अब 2 दिन के अंदर 3 ऐसे मामले आए जिनसे अलग अलग क्षेत्र से जो कोरोना से संक्रमित थे और उनकी मौत हुई है। वहीं जोंदन कला की यदि बात की जाए तो जोंदन कला से एक युवक है 29 वर्षीय, वो कोरोना से संक्रमित पाया गया और उनकी मौत हो गई जिनका PGI में इलाज चल रहा था। वहीं सेक्टर 12 की बात की जाए तो 86 वर्षीय जो है महिला जो कोरोना से संक्रमित थी उनकी मौत हुई है। तो वहीं तीसरे यदि मामले की बात की जाए तो विवश कॉलोनी से 64 वर्षीय जो है पुरुष एक कोरोना से संक्रमित के चलते उनकी मौत हुई है। ये बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अब जो मौत का आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ऐसी स्थिति में आज की यदि बात की जाए तो यहाँ पर डॉक्टर CMO ने संतलाल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज 6 नए कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं, नए मामले सामने आए हैं। वो कहाँ से हैं, इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि कोरोना की इस वैश्विक महामारी में कहीं ना कहीं कोरोना पानीपत में अपने पैर पसारता जा रहा है। तो इसलिए हम सब लोगों को इसके बारे में जानकारी भी हो और इससे सजग और जागरूक करने के लिए हम एक दूसरे को उनकी बातें बताएं, क्योंकि जो संक्रमण काल है वो लगातार जारी है। ऐसे पिछले हफ्ते की बात की जाए तो सैकड़ों ऐसे मामले सामने आए जिससे कहीं ना कहीं पानीपत में अब कोरोना का जो कहीं ना कहीं डर लोगों में बना है। हम बात कर रहे थे आज के 6 जो नए मामले आए हैं वो कहां से हैं, वो हम आपको बता देते हैं। CMO ने जानकारी देते हुए जो बताया है, 45 साल का जो है एक चंडीगढ़ बुड़ेल का जो है यहां संक्रमित पाया गया है। एलडीगो से 43 वर्षीय एक व्यक्ति जो है वो कोरोना संक्रमित पाया गया है। वहीं विराट नगर से 54 वर्षीय पुरुष और गौशाला मंडी से 63 वर्षीय पुरुष जो है वो संक्रमित पाया गया है। बबैल गांव से 9 साल का मासूम जो है वो कोरोना से संक्रमित पाया गया है। कहीं ना कहीं हर रोज मासूम भी जो है कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इनका किससे संपर्क है, कैसे है, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी सतर्क और आसपास के लोगों की और जो क्लोज कॉन्टेक्ट है परिवार वालों की जो है स्क्रीनिंग कर रहा है और उन लोगों के जो है सैंपल लिए जाएंगे। तो इन बातों को लेकर जो स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टर CMO संतलाल वर्मा से भी हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि हम लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग की टीमों को बढ़ा रहे हैं, मोबाइल टीम्स को बढ़ा रहे हैं ताकि समयबद्ध लोगों की स्क्रीनिंग हो सके और उनके जो है टेस्ट जो है कोरोना के कराए जा सके। इस स्थिति में कहीं ना कहीं हम सब लोगों को भी सजग और जागरूक रहना पड़ेगा। जैसे हमने बताया कि बबैल गांव से 9 साल का मासूम जो है वो संक्रमित पाया गया। सेक्टर 13-17 से 47 साल का जो है एक व्यक्ति वो कोरोना से जो है संक्रमित पाया गया है। ये कहीं ना कहीं बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि सभी मामले अलग अलग क्षेत्र से हैं और ऐसी स्थिति में जो मौत के आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं बड़े हैं। तो इस बात को गंभीरता से लेते हुए हम सबको अपने और अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, इन सब लोगों को प्रिकॉशंस और किस तरह से हम बाहर निकलते हैं, जरूरी काम के लिए निकलते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग और राज्य और जिला प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से हमें बचना चाहिए, क्योंकि लगातार जो संक्रमण है वो अपनी चपेट में, मासूम हो या वृद्ध या जवान, तमाम लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और ये किसी से अछूता नहीं है। सिटी तहलका के माध्यम से हर रोज हम आपको मामले बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। फिर से हम आपको बता दें, और जो आज एक अच्छी खबर ये है कि 15 लोग जो हैं कोरोना से, कोरोना को मात देकर घर लौटे हैं। ये बेहद ही अच्छी और सुखद खबर है। तो ये कहीं ना कहीं अब एक्टिव केस की यदि बात की जाए तो पानीपत के अंदर 180 मामले जो हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव केस है कोरोना से, और वहीं रिकवर केस की बात की जाए तो 232 केस ऐसे हैं जो कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं। तो हम सब लोगों को जो है पूरा ध्यान और सुरक्षा के मद्देनजर
कोरोना से संक्रमित कोई न हो इसको लेकर प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। हम सिटी तहलका के माध्यम से फिर से तमाम दर्शकों और पानीपत वासियों को अपील करते हैं कि पूरा अपना ध्यान रखें, अपनों का और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आपकी एक लापरवाही आपके घर में कोरोना की दस्तक दे सकती है। सहयोगी निहाल शर्मा के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।